अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं एक बहुत ही मज़े का, बहुत ही इजी है ये डेजर्ट बनाना, इसकी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलें इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बाउल में मैं एक पैंट के जितनी ये जेली डाल लूँगी। एक कप ये गर्म पानी है ये इसमें मिक्स कर दूँगी। इसको अच्छी तरह इसके साथ मिक्स कर लूँगी जेली को और पानी को। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। तो मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है तो अब मैं इसके अंदर डालती हूँ। यहाँ पे मैंने ये स्ट्रॉबेरी को बारीक सा काट दिया, एक स्ट्रॉबेरी के मैंने चार हिस्से कर लिए तो वो इसके अंदर डाल दूँगी। सबके अंदर मैं ऐसे तीन तीन चार चार डालती जाऊँगी। तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखें जी, जेली के अंदर मैंने सारी स्ट्रॉबेरीज ऐसे बारीक सी काट के डाल दी हैं, तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं एक बाउल ले लूँगी और उसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून के करीब ये मैं कंडेंस मिल्क डाल दूँगी। ये 3 टेबलस्पून मैंने भर के इसके अंदर कंडेंस मिल्क के डाल दिए। 3 से 4 टेबलस्पून ही अब इसमें मैं ये व्हिप क्रीम डाल दूंगी। इसको अच्छी तरह ये बीटर की मदद से मैं बीट कर लूंगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैं बीटर की मदद से क्रीम को और कंडेंस मिल्क को बीट कर रही हूँ और सिर्फ 2 मिनट ही इसको बीट करना है और फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, इतना ही इसको मैंने बीट किया और अब मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि आगे मैं इसको क्या करूँगी। क्रीम को अच्छी तरह बीट कर लिया है तो अब इसको सारी को इसके अंदर बाउल के अंदर इकट्ठा कर लेती हूँ। यहाँ पे देखें जी, जेली को भी रखे हुए 5 मिनट हो गए और ये देखें अच्छे से ये सेट हो गई। तो ये जो क्रीम और कंडेंस मिल्क मैंने अच्छी तरह बीट किया हुआ था ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। ये बहुत ही मज़े का डेजर्ट बनता है। आप इसे ईद में भी बनाएं और रमज़ान में भी बनाएं, बहुत ही मज़े का लगेगा आपको। आप इसको लाजमी ट्राई करें। ये सारे कप्स में मैं इसी तरह डालती जा रही हूँ, तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। मैं इसकी करूँगी स्ट्रॉबेरी के साथ गार्निश। बहुत ही मज़े का ये मीठा बनता है। आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।